अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि दो दिन पहले हम गए थे आरजे मॉल अपने लिए वेलवेट का फैब्रिक देखने, बट वहां पर मुझे फैब्रिक समझ नहीं आया। फैब्रिक वहां का बहुत अच्छा था नो डाउट, मगर जैसा फैब्रिक मुझे चाहिए वैसा वहां पर अवेलेबल नहीं था। उसके बाद हम गए थे साइमा स्क्वायरवन मॉल, वहां पर मैंने देखे कुछ स्टिच ड्रेसेस, मगर वो भी मुझे कुछ खास समझ नहीं आया। एक्चुअली मेरे माइंड में बैठ गया कि मुझे वेलवेट का ड्रेस ही बनाना है और जैसा बनाना है वैसा ही बनाना है। आई होप कि आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक्चुअली मैंने 5-6 साल से वेलवेट नहीं पहना, तो मैंने सोचा था कि इस बार मुझे वेलवेट ही पहनना है। मैं बहुत कम शादियां अटेंड करती हूँ और इस बार तो मेरी कजन की शादी है, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका कब मिलेगा मुझे वेलवेट पहनने का, और विंटर्स भी हैं। तो मैंने सोचा है कि आज हम जाएंगे तारिक रोड रापी सेंटर, वहां इंशाल्लाह मुझे जैसा फैब्रिक चाहिए वैसा मिल ही जाएगा। अगर नहीं मिला तो फिर हम जाएंगे आशियाना गल्फ साइड पर, क्योंकि जो फैब्रिक यहां पर कहीं नहीं मिलता कराची में वो आशियाना में आपको ईजिली मिल जाता है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलता है मगर मिल जाता है, तो मैंने सोचा है कि फिर मैं वहां से जाके ले लूंगी। और मैंने टेलर से बात कर ली, उन्होंने कह दिया कि वो मुझे एक दिन में स्टिच कर देंगे, बिकॉज शादी में सिर्फ एक दिन रहता है, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो आपने मेरे साथ रहना है, इस व्लॉग को एंड तक जरूर देखना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है, और मुझे ये भी जरूर बताइएगा कि मैं जो डेली व्लॉग्स अपलोड कर रही हूं वो आपको कैसे लग रहे हैं। आई मीन आपको अच्छा लग रहा है मेरे डेली व्लॉग्स देखना या नहीं अच्छा लग रहा है, प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। बिकॉज मैं काफी लेजी बंदी हूं और जब तक मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं जाता, तो प्लीज कॉमेंट जरूर कीजिएगा। सो फाइनली हम तारिक रोड पहुंच चुके हैं। तारिक रोड में बहुत सालों बाद आ रही हूँ। पहले हम बहुत बहुत ज़्यादा तारिक रोड आया करते थे बचपन में भी, इनफैक्ट हम लोग शॉपिंग यहीं से ही किया करते थे, मगर जब से ये बड़े बड़े मॉल्स खुल गए हैं कराची में और इतनी आसानी हो गई है तो अब हम ज़्यादातर मॉल्स ही जाते हैं। यहाँ पर भी एक मॉल है डॉलमन मॉल, में वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पहले शॉपिंग करती थी, मगर एक दफ़ा वहाँ से मेरे पैसे चोरी हो गए थे, मेरा वॉलेट किसी ने निकाल लिया था मेरे बैग से, वो भी मॉल के अंदर। तो तब से मुझे ये मॉल जाना भी इतना पसंद नहीं है। अब अगर मैं डॉलमन मॉल जाती भी हूँ तो क्लिफ्टन साइड वाले डॉलमन मॉल जाती हूँ, या फिर आप लोगों को पता है कि ज़्यादातर मैं लकी वन मॉल जाती हूँ, क्योंकि वहां से मुझे सब कुछ मिल जाता है। लेकिन इस बार मुझे लेना है अनस्टिच फैब्रिक, जिसके लिए मुझे यहां आना ही पड़ा। वैसे तारिक रोड बहुत अच्छा है, यहां से बहुत अच्छी शॉपिंग हो जाती है और इनफैक्ट हर चीज ही मिल जाती है। फाइनली हम लोग रापी सेंटर आ गए। यहां पर जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि बहुत अच्छा अच्छा फैब्रिक रखा हुआ था, और यहां आपको हर किस्म का फैब्रिक मिलेगा, कॉटन मिल जाएगा, चिकन मिलेगा, यहां पर एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक मिलेगा, नेट का मिलेगा, वेलवेट मिलेगा। तो ये शॉप थी जहां से मैंने अपने लिए वेलवेट का फैब्रिक बाय किया, बिकॉज यहीं पर ही वो फैब्रिक अवेलेबल था जिस तरह का मुझे चाहिए था। तो या हेलो माइन, थकी तो नहीं हो? चलो आ जाओ। अब हम जा रहे हैं रापी सेंटर से बाहर, बिकॉज यहाँ से हमने फैब्रिक ले लिया जो मुझे चाहिए था। अब हम जाएंगे कुछ और देखने के लिए, सैंडल वगैरह, क्लच वगैरह, अदर थिंग्स, यू नो। फैब्रिक अच्छा मिलता है वैसे यहाँ पर। सो अनस्टिच फैब्रिक ले चुकी हूँ मैं, क्लच भी ले लिया था, और उसके बाद हम आए थे बालीज हालार के लिए, यहाँ से लेने थे हमें जूते, और उसके बाद हम गए थे हील्स, और पहली ही शॉप से मुझे अपने लिए सैंडल पसंद आ गई और मैंने यहाँ से सैंडल ले ली, फाइनली ले ली मैंने सैंडल। घर जाके आप लोगों को दिखाऊंगी। अब हम अपनी कैब का वेट कर रहे हैं, बिकॉज शॉपिंग कम्प्लीट हो चुकी है, हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो अब चलते हैं घर। तुम्हारी बेटी ने किया? एक मिनट। हम आए हैं मम्मा के घर, बिकॉज मम्मा के लिए एक सूट लिया था, मम्मा को वो सूट दे दूँ मैं, उसके बाद मैं जाऊँगी अपने घर। तो चलते हैं पहले मम्मा के घर। मैं आई 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 आता मैं आई 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 आता मैं आई 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 आता चोची चो मुन्नू। सो
सो हॉल जाने से पहले हम आए थे मामू के घर के पास, क्योंकि बारात यहाँ से निकलनी थी और हम सब ने बारात को ज्वाइन करना था, मगर अभी बारात निकलने में टाइम था तो हम सबको लग रही थी भूख। हमने यहाँ से लिए अपने लिए पॉपकॉर्न्स और सेव। ये मेरा छोटा सा लुक, बाकी लुक मैं आप लोगों को पिक्चर्स में दिखाऊंगी क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो क्लिप्स अपने नहीं बना सकी थी, हॉल में भी नहीं बना पाई थी। तो या और अब हम निकल चुके हैं हॉल जाने के लिए। ये जो सामने कोस्टर खड़ी है ये है बारात की कोस्टर। इसमें जाने थे सोमी के नेबर्स और हमारे कुछ रिलेटिव्स, मगर हम जा रहे थे कार में तलाल के साथ। चलो सिंधु आ जाओ। अच्छी लग रही है सिंधु बहुत। हाली माल सही करो, हाली अच्छे लग रहे हैं वैसे। माय हैंडसम मैन। और ये आयरा, आयरा इधर देखो, आयरा लुक एट मी, आयरा लुक एट मी, हाय ब्यूटीफुल गर्ल। फाइनली खाना सर्व हो गया है हमारी टेबल पर। जी शांजे, किसको चाहिए मोबाइल? तलाल मामू को ले जाओ। आई नो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि शादी इतनी जल्दी हो गई, रुखसती भी हो गई और मैंने व्लॉग में ज्यादा कुछ नहीं दिखाया। एक्चुअली बात ये थी कि जो लड़की वाले थे वो माशाल्लाह बहुत ही सिंपल सादा लोग थे। उन्होंने हमसे ये रिक्वेस्ट की थी कि शादी में कोई भी नाच गाना ना हो, कोई म्यूजिक ना हो, जब आप लोग बारात लेकर आए तो ढोल वगैरह ना हो। तो उनकी मर्जी के मुताबिक हम लोगों ने शादी बहुत ही सादगी से की, जो कि मुझे तो बहुत अच्छी लगी पर्सनली। और अब हम यहाँ से जाएंगे मामू के घर, मामू के घर जाएंगे, वहां पर होंगी कुछ रस्में, लेकिन मैं अब कार में नहीं जाऊंगी। मैंने ये सोचा है कि मैं जाऊंगी कोस्टर में, क्योंकि अलीजा सादियाबाजी इन सब ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग कोस्टर में जाते हुए थोड़ा सा नाच गाना करेंगे और थोड़ा सा फन करेंगे, बिकॉज हमारे कजन की शादी है तो थोड़ा सा फन करना तो बनता है ना। तो लेट्स गो। जाओ खड़े वहाँ पे, आंगो भाई डिमांड करो पैसों की। सारे अपने मांगो पैसे, डिमांड तो करो, 10,000 मांग लो, बार्गेनिंग करो ना, कम दे देना। मैं भी नहीं छोड़ूंगा, कसम से मैं भी नहीं छोड़ूंगा। मैं भी नहीं छोड़ूंगा बेटा, पहले वहाँ 10 दो। सोमी सही से देना दिल बड़ा करके बहनों को। बस 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 हो गया। मिशाल इतनी जल्दी मान गई, मिशाल थोड़ा सा टाइम लगाती, कितनी जल्दी मान गई है। कम ले लिए दादा, ले ले मोबाइल। सो फाइनली हम लोग घर वापस आ चुके हैं और घर आके दिया हालार ने मुझे एक छोटा सा प्यारा सा तोहफा, जो कि था मिशाल की तरफ से। मिशाल मेरे मामू की बेटी है और हालार की भी फर्स्ट कजन है। मिशाल और मैं बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं मिशाल मुझे कोई ना कोई गिफ्ट जरूर देती है, और इस बार उसने मेरे लिए दी थी ये बहुत ही खूबसूरत रिंग। थैंक यू सो मच मिशाल, मुझे बहुत पसंद आई है रिंग। आई होप आप सबको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।